नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज वैदिक गणित की पहली कक्षा है जिसमें हम सीखने वाले हैं जोड़। मैं आपको वैदिक गणित में जोड़ के तीन सूत्र बताऊंगा, आपको उन तीनों सूत्र से अवगत करवाऊंगा। हम तीन सूत्र तीन वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम पहला सूत्र पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पूर्णा पूर्णाभ्यामम। पूर्णा मतलब क्या? पूर्ण होना, कंप्लीट होना। ठीक है, अभी कंप्लीट होने से क्या मतलब है? इस सूत्र को सीखने से पहले एक चीज आप जरूर सीखिए जिसे कहते हैं मित्र संख्या। मित्र संख्या क्या है देखिए, जैसे कि जीरो प्लस दस कितना होगा? दस। वन प्लस नाइन कितना होगा? दस। नौ प्लस एक कितना होगा? दस। एक प्लस नौ कितना होगा? दस। दो प्लस आठ कितना होगा? दस। तीन प्लस सात कितना होगा? दस। चार प्लस छः कितना होगा? दस। पांच प्लस पांच कितना होगा? दस। अब देखिए, ये जो मैंने लिखी ये सब मित्र संख्या है। मित्र संख्या कैसे? कि पांच को पांच में जोड़ेंगे दस हो जाएगा, छह और चार को जोड़ेंगे दस हो जाएगा, तीन और सात को जोड़ेंगे दस हो जाएगा, आठ और दो को जोड़ेंगे दस हो जाएगा। मतलब कि ऐसी कोई भी दो संख्या, ध्यान से सुनना, ऐसी कोई भी दो संख्या जिन्हें जोड़ने पर उसका उत्तर दस आए उसे हम मित्र संख्या कहते हैं। इन्हें हम पूरक संख्या भी कहते हैं, जैसे कि तीन के पूरक सात हो गई, आठ के पूरक दो हो गई। तो ये मित्र संख्या समझ में आया। अभी हम इसी मित्र संख्या की सहायता से अपनी जोड़ करेंगे, जो एडिशन के समय उसको करेंगे। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा एक लॉजिक है जिसे हमको समझना है कि यहाँ सात प्लस तीन ठीक है तो दस हो जाएगा, छह प्लस चार दस, पांच प्लस पांच दस, तीन प्लस सात दस। तो ये अपने आप दिमाग में आने वाली चीज है, इसको कोई याद रखने वाली चीज नहीं है, ये तो अपने आप भी हो जाता है। ठीक है, अभी कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण लेते हैं, पांच तीन दो सात आठ और पांच, इसको हमको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे कैसे जी? बड़ा सिंपल है, देखिए आप ध्यान देंगे तो यहां पे भी पांच है, यहां पे भी पांच है। इस पांच और इस पांच को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? दस। ठीक है, यहां पे भी तीन है, यहां पे सात है, सात और तीन को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? दस। दो और आठ को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? दस। तो दस दस दस, दस प्लस दस बीस, बीस प्लस दस तीस, तो इसका उत्तर कितना आया? तीस। बड़ा सिंपल है ना? हाँ जी, बड़ा सिंपल है, बस आपको मित्र संख्या की सहायता से इसको करना है। एक और उदाहरण लेते हैं, ट्वेंटी वन थर्टी नाइन नाइन प्लस वन थ्री प्लस सेवन, इसको करना है जी, क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे ट्वेंटी वन और नाइन है, इसको जोड़ेंगे तो ट्वेंटी वन और नाइन, एक और नौ कितना होता है? दस होता है। एक और नौ कितना होता है? दस होता है। ठीक है, देखो बीस इक्कीस है, इक्कीस में से बीस को अलग कर दो, पीछे कितना बचा? एक। यहां पे कितना है? नौ। तो एक और नौ कितना हो गया? दस। और पहले से बीस तो था ही, तो बीस और नौ कितना हो गया? तीस। तीस हो गया ना। अब देखिए थर्टी नाइन और एक, थर्टी नाइन जो है, थर्टी नाइन में से तीस को अलग कर दो, थर्टी को अलग कर दो, नाइन को अलग कर दो, नौ और एक कितना हो गया? दस। दस और थर्टी कितना हो गया? फोर्टी। मतलब कितना आएगा यहाँ पे? फोर्टी आएगा। यहाँ पे तीन और सात कितना हो जाएगा? दस। इसको जोड़ दो, बड़ा आसान है, तीस चालीस सत्तर
प्लस 10 कितना हो गया 80, तो इसका उत्तर कितना आया 80। एक दो और सवाल देख ले। जी हाँ बिल्कुल देख लेते हैं। अब देखिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। 356144 इसको करते हैं, ये कैसे होगा जी? मित्र संख्या की सहायता से बड़े आराम से हो जाएगा। देखते हैं, देखिए 356 है, 356 है, मैं 356 को 300 प्लस 56 लिख सकता हूं। जी हां बिल्कुल लिख सकता हूं। 41 है, मैं 41 को 40 प्लस 1 लिख सकता हूं। जी हां बिल्कुल लिख सकता हूं। 29 को मैं 20 प्लस 9 लिख सकता हूं। जी हां बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। 144 है, 144 को मैं 100 प्लस 44 लिख सकता हूं। जी हां बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो उतना ही आने वाला है, ठीक है। जैसे कि 41 है, 41 को 40 प्लस 1 लिखे, 41 को जोड़ने पे 41 ही आएगा। हमने क्या किया, सिर्फ उसको बांट दिया, थोड़ा सा अलग किया है ताकि हमको सवाल करने में आसानी रहे। मैं फिलहाल तो अभी ब्लैक बोर्ड पे कर रहा हूं, व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूं, लेकिन जब आप करेंगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप अपने दिमाग में ही होने लगेगा और बड़े आसानी से आप कोई भी बड़े से बड़ा सवाल भी कर लेंगे। तो देखिए अब देखिए ये 300 है, 300 प्लस 100 कितना हो गया 400, ठीक है। 56 प्लस 44 कितना हो गया 100, ठीक है। 1 प्लस 9 कितना हो गया 10, और 40 बचा है पीछे, कितना हो गया 40 का 40। अब देखिए ये तो हो गया 500, ठीक है, ये हो गया 50, इन दोनों को जोड़ दो हो जाएगा 550, 550 हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल भी हो गया, ये सिंपल था। जी हाँ बिल्कुल सिंपल था। एक और उदाहरण ले ले, एक और एग्जांपल देख ले। जी हाँ देख लेते हैं। अभी जी ये सवाल लेते हैं, ये सवाल भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है देखते हैं। देखिए हम अभी लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, सीधे सीधे देखिए 36 का 6 है और 4 का 4 है, तो यहाँ पे 36 मतलब 36 को 6 अलग किया और 30 अलग किया, तो कितना हो गया 30, ये हो गया 6, और यहाँ पे कितना है 40, 40 का 10 अलग किया, 4 अलग किया, तो 30 और 10 कितना हो गया ऑटोमेटिकली 40, 30 और 10 कितना हो गया 40 हो गया, और यहाँ पे 6 और 4, 6 4 कितना हो गया जी 10 हो गया, तो प्लस 10 कर देता हूं, ठीक है। अभी यहां पे देखिए, यहां पे जो है ये बीच का जो है, बीच में मित्र संख्या तो मिली नहीं हमें, यहां पे मित्र संख्या का कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होता, तो क्या करेंगे जी? मित्र संख्या का कॉन्सेप्ट लागू तो होगा लेकिन कैसे होगा, देखिए ये 5 है, 5 2 7, 5 2 7 हो गया। अभी जो 23 है, 23 का मैं 20 अलग कर दूं, 3 अलग कर दूं, तो कितना हो जाएगा 20 अलग और 7 प्लस 3 10, ये हो गया 20 प्लस 10। मैं पहले इस 23 को अलग करके 20 लिखता हूं, पीछे कितना बचा सिर्फ 3 बचा, 5 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 2 कितना हो गया 10, तो 40 50 70 80 इसको मेरा कितना हो गया 80। आपका ये सवाल हो गया? जी हाँ बिल्कुल हो गया। तो मुझे आशा है कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट, आज का ये सूत्र पसंद आया होगा। आपको इसके संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपके सभी डाउट को सॉल्व करेंगे। और आगे आने वाले दो वीडियो में आपको जोड़ने के दो और सूत्र बताऊंगा जो भी बहुत अच्छे सूत्र हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।